क्या आप भी जब किसी ज़रूरी काम पर बाहर जाते हैं तो दही शक्कर खाकर जाते हैं? मैं डॉक्टर जय मदान आपके साथ एक और मिथ को लेकर आई हूँ। आपको याद है, मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं छोटी थी और एग्ज़ाम देने जाती थी तो मेरी मदर बोलती थी कि तुमको दही चीनी खाकर जाना, एग्ज़ाम अच्छा होगा। और मैं हमेशा सोचती थी कि दही चीनी का एग्ज़ाम से क्या लेना देना, और मैं अपनी मदर को क्वेश्चन करती थी कि अगर मैं बिना पढ़े चली जाऊँगी दही चीनी का बोल खाकर तो क्या मेरा एग्ज़ाम अच्छा होगा। एंड शी यूज़ टू हैव नो आंसर फॉर इट, एंड दिस इज़ वॉट माई आंसर फॉर यू इज़, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, देर इज़ नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क, यू हैव टू वर्क हार्ड। लेकिन दही चीनी का लॉजिक क्या है, आखिर ये कहाँ से आया और दही चीनी से एग्ज़ाम का क्या लेना देना? देखिए, हमारे इंडियन ट्रॉपिकल क्लाइमेट के हिसाब से दही जो है कामिंग इफेक्ट देता है हमारे स्टमक को, बॉडी को, माइंड को। और उस ज़माने में दही जो है इतना आर्टिफिशियली डिराइव नहीं था, एनिमल्स को इंजेक्ट नहीं किया जाता था, तो इट वॉज़ अ हेल्दी थिंग देन। और इसमें शक्कर जो डाली जाती थी वो इंस्टेंट ब्लड को एक ग्लूकोज का रश देता था, जिससे हमारी एनर्जी लेवल, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, ये सब चीज़ें ऑप्टिमम लेवल पर रहती थी, ताकि जब आप किसी ज़रूरी काम पर जाएँ, जैसे बच्चा एग्ज़ाम पर जा रहा है या कोई बाहर किसी डील पर जा रहा है और एंग्जाइटी लेवल होती है, तो बॉडी को शांत और ठंडा रखने के लिए दही और एनर्जी लेवल को बरकरार रखने के लिए शक्कर उसमें मिलाकर दी जाती थी। दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड एंड इट हैड अ ब्यूटिफुल मार्वलस इफेक्ट ऑन आर माइंड एंड आर बॉडी। लेकिन आज के टाइम में अगर आप इसको समझ कर करते हैं, इट विल स्टिल हैव दैट इम्पैक्ट। शर्तियाँ आपकी दही जो है वो सही तरीके से होनी चाहिए। योगर्ट हम जिस तरीके की यहाँ दही खाते हैं, इसमें बहुत तरीके के एंजाइम्स होते हैं जो स्टमक के लिए प्रोबायोटिक का काम करते हैं, अच्छा इफेक्ट देते हैं। सो इट वाज अ एक्चुअल थिंग दैट हैपेंड देन। लेकिन जब हम किसी चीज़ को बिना लॉजिक के करते हैं ना, तो वो सुपरस्टिशन का फॉर्म ले लेता है। दिस इज़ व्हाट आई वॉन्ट टू यू नो कम इन बिटवीन एंड एक्सप्लेन यू कि तब के ज़माने के जो मिथ्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा साइंस और लॉजिक था। अगर हम उसको समझें तो हम समझेंगे तब के टाइम में भी लोग कितने एडवांस थे, हाउ नेचुरली दे यूज टू अंडरस्टैंड देयर बॉडी एंड द साइंस। आज हम उसी ट्रैक पर जा रहे हैं, उसी ऑर्गेनिक दुनिया में वापस जा रहे हैं। सो व्हाई डोंट वी बिकम मोर ऑर्गेनिक एंड अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स दिस मिथ्स ऑल्सो। और जो चीज़ हमें समझ में ना आए या जिसका लॉजिक ना मिले उसको वी कैन ड्रॉप इट, और जिसका लॉजिक मिले उसको समझ कर करना कितनी अच्छी चीज़ है। इसी के साथ मैं आपके पास वापस आऊँगी। आई एम गोइंग टू सी यू सून विथ अ न्यू मिथ एंड अ न्यू लॉजिक। धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें धर्म.tv और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करें।